लखनऊ में सपा बसपा गठबंधन की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिख रहा है। संत कबीर नगर में भी सपा बसपा के संयुक्त गठबंधन पर जनपद मुख्यालय पर जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जुलूस के दौरान सपा बसपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए खुशियां इजहार की। पटाखे फोड़ते हुए मायावती और अखिलेश यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सपा जिला अध्यक्ष गौहर अली ने कहा कि गठबंधन हमने भारतीय जनता पार्टी से सीखा है। हम लोग कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी राष्ट्रीय बसपा की दोनों लोगों से आज भारत में प्रेस वार्ता थी और हम लोगों का एक गठबंधन सपा बसपा का और महागठबंधन अन्य दलों का भी है हो गया। हम इस संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से वो जिसको भी टिकट मिलेगा यहाँ पर सपा बसपा के सारे लोग पूरी तरीके से उनको चलाएंगे तैयार। खलीलाबाद को प्रत्याशी हमारे बीच में है बहुजन समाज पार्टी के सुरेश राव जी और सभी बसपा के लोग भी हैं, सपा के लोग भी हैं। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज के जो स्वागत समारोह और इतिहास हुआ है ये सबसे कहाँ पर उससे कम नहीं है। आज हम लोग जनता पर स्वागतों को जो सब जो प्रदेश और देश में कायम है भारतीय जनता पार्टी को उठा फेंकने से हम लोग सक्षम है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की अखिलेश यादव जी को मुबारकबाद देते हुए पूरे देश में जो आवश्यकता थी आप सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार चल रही है इसे जनता टोटल इसके कार्यक्रम में ग्रस्त हो रही है। दूर दूर का आदमी उसके आदमी के सामने के जो खाली होगी किसक की नजर आ रही थी शिक्षा क्षेत्र में इलाज के क्षेत्र में सारे क्षेत्र में ये समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ही नहीं पूरे देश में जनता की गठबंधन है। आने वाला जो चुनाव है निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने में जनता की मांग पर गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए गठबंधन जरूरी है। अब ये गठबंधन किसके लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा।